माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। अमर हमें छोड़कर नहीं जा सकते, कोई ना कोई बात तो जरूर है। अमर ऐसा नहीं कर सकते। मम्मा मम्मा पापा जेटली स्कीम का एक और परत खुला। कोऑपरेटिव बैंक के 250 करोड़ के घोटाले के अलावा वित्त बाजार के अलग अलग संस्थाओं के करीबन 50 करोड़ रुपए देने हैं। कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि अमर जेटली अंडरवर्ल्ड से भी पैसे लिए हुए हैं। अब सच क्या है इसका पता फरार अमर जेटली ही बता सकता है। महेश प्रसाद सिंह, मुंबई। हेलो पापा, मेरे लिए जिया चलो। किसका फोन है यारो? अब मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, फोन किसका है? पापा का। हेलो अमर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं तो खेल रहा था। हर चीज में खेल खेल और कुछ नहीं सोचता तुम्हें। अगर आइंदा से इस फोन को हाथ लगाना तो देखना तुम। हेलो पापा, मम्मा मुझको मारती है। I'm sorry. I'm really sorry. मैं आज के बाद आपको कभी नहीं मानूंगी। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ बोलो। क्या सिड वहां गया था? आर यू श्योर वो सिडी था? थैंक्स सो मच फॉर कीपिंग मी इनफॉर्म्ड, लेकिन प्लीज ये बात अपने तक ही रखना, अपनी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को मत बताना। थैंक्स, बाय। कर रहे हो उसे? अब बस भी करो, बहुत पी लिया तुमने। बस मामा, थोड़ी और। वो क्या है कि मेरी जो ये कॉन्शियस है ना, हर वक्त शोर मचाती रहती है कि सिर तूने ये क्या किया, ये क्या किया तूने। बस माँ, उसी को जरा शराब में डुबोकर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये डैम थिंग रह रहकर भी मुझे पिंच करती। इनफ सिड। बाय द वे, तुम उन जेटली लोगों के घर पे क्यों गए थे कल? देखो सिर, ना झूठ बोलने की कोई जरूरत है और ना ही बात को टालने की, क्योंकि मुझे खबर मिल चुकी है। क्यों गए थे तुम वहां? अच्छा, तो आपको यह भी मालूम नहीं? दोबारा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो सिर, तुम्हारा चेहरा एक जाना माना चेहरा है, हर कोई जानता है कि तुम पमी बख्शी के बेटे हो। कितना नाम है हमारा सोसाइटी में, कितनी इज्जत है, ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें वहां जाते हुए देखा होगा। और फिर इन मीडिया वालों को तो जानते ही हो ना, तो किसी भी कंट्रोवर्सी में घसीट लेते हैं लोगों को। मैं नहीं चाहती कि इस स्कैम में वो लोग तुम्हें भी लपेट ले। क्या हुआ सिर, व्हाट्स सो फनी? बस मां, मैं ये सोच रहा था कि आज मेरी वजह से उन लोगों पे क्या कुछ नहीं बीत रही। उन लोगों की सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। सिर्फ मेरी वजह से आज उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, और आपको अपनी इज्जत और अपनी रेपुटेशन की पड़ी है। यू आर ग्रेट मां, यू आर सिंपली ग्रेट। आज सब कुछ जानती हैं आप, फिर भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं आप। अच्छा लगता अगर आप उनके बारे में एक बार भी मुझसे पूछती। आज आपका बेटा आपके सामने खड़ा तो सिर्फ उनकी वजह से। और आप, कितनी बार कहूं मैं तुमसे, उनकी हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। वो आदमी फ्रॉड था, स्कैमस्टर था,
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी लेना देना हो उससे। Well, it's too late, माँ। अब आप कुछ नहीं कर सकती। लेना देना तो हो चुका है। उसी की जिंदगी तो जी रहा हूं मैं। आज मेरी वजह से उसकी फैमिली इतनी मुसीबत में है। और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि उनको जाके सब सच सच बोल दूं। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ सिर्फ। वो आदमी गलत रास्ते पे चल रहा था और एक ना एक दिन ये होना ही था। इनफैक्ट तुमने तो उसे आजादी दिला दी और आइंदा से तुम उन लोगों से नहीं मिलोगे। एंड दैट्स दैट। हाउ कुड वी डिसमिस इट। आरों ने नाश्ता कर लिया? जी मैम। मानसी बेटा, मैं गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह गई, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप ये बेटा, मुझे याद रखना चाहिए था कि अगर अमर मेरा बेटा है तो वो तुम्हारा पति भी तो है। उसके जाने का जितना दुख मुझे होगा उतना ही दुख तुम्हें भी होगा। मुझे तुम्हारे साथ यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं माँ, आपको पूरा हक है मुझे कुछ भी कहने का। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं आपके दुख को समझती हूँ माँ। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं उस वक्त आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। आप ठीक ही तो कह रही थी, अमर हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतना ख्याल जो रखते हैं हमारा, जरूर कोई ना कोई बात है। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अमर के गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में करवा दें। हाँ बेटा, बहुत अच्छा विचार है, यही ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हूँ। जेठ जी को फोन कर उनके साथ चली जाती हूँ। नहीं माँ, आप ताया जी से कुछ नहीं कहेंगी। करना धरना कुछ होगा नहीं, बस दो चार बात सुना देंगे आकर। मैं खुद जाती हूँ रिपोर्ट लिखवाने, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करते? क्या मैं आपको शक्ल से बेवकूफ दिखाई देता हूँ मिसेस जेटली? सारी दुनिया जानती है कि आपके हस्बैंड कानून के मुजरिम हैं, 420C का फ्रॉड करके भागे हुए हैं, और आप चाहती हैं कि मैं यहाँ उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखाऊं? मैं आपकी स्कीम को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले तो लोगों के साथ फ्रॉड करके गायब हो जाना और फिर उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने चले आना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पति वाकई में लापता है। दिल्ली गए हुए उन्हें 4 दिन हो गए, जबकि वो एक ही दिन में लौटने वाले थे, और वहां जिससे मिलने वाले थे वो मिस्टर खन्ना उनका इंतजार करते रहे। उनके हिसाब से मेरे पति दिल्ली पहुंचे ही नहीं। वही तो, फिर वो दिल्ली नहीं गए तो गए कहां? अब ये पता लगाना आपका काम है, इसीलिए मैं यहां पर आई हूं आपके पास FIR दर्ज करवाने। देख शिंदे, मैडम की बात सुन। अब कानून की नजर से जेटली को बचाने के लिए, बेगुनाह साबित करने के लिए उसके खिलाफ यहां लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आई है। अरे ये सब इनकी मिलीभगत है। एक मुजरिम की रिपोर्ट लिखेंगे ना तो काम से जाएंगे। सॉरी मैडम, हम लोग आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते, आप घर जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति अभी तक निर्दोष है, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ आपका। अब आप जल्दी से मेरा FIR लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगी भी नहीं। मैंने कह दिया ना। तो फिर लिख कर दीजिए कि आप ये FIR लॉन्च नहीं करेंगे। लिख कर दीजिए, फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। ठीक है, वो लापता का पूरा नाम बताइए। फरार आदमी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई, कानून के आंखों में धूल झोंकने की नई तरकीब। उन्हीं का होगा, उन अखबार वालों का। जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने। किसका फोन था, कट गया। किसी भी प्रेस वाले से बात करने की जरूरत नहीं है। जिसका भी फोन हो रॉन्ग नंबर कह देना तुम दोनों।
बात का बतंगड़ बना डालते हैं पलक झपकते। हेलो हेलो, हेलो। तुम्हारा पति जिस फ्लाइट से दिल्ली गया था वो क्रैश कर गई है। अमर कैसे इस फ्लाइट से गया ये बात सिर्फ सिद्धार्थ बख्शी को मालूम है। तुम सिद्धार्थ बख्शी को कॉन्टैक्ट करो, वही बताएगा तुम्हें सब कुछ। क्या हुआ, किसका फोन था? वो कह रहा था कि अमर ने दिल्ली जाने वाली दूसरी फ्लाइट ले ली जो क्रैश कर गई। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अमर हमें छोड़कर नहीं जा सकता, वो जरूर किसी मुसीबत में होगा। वो भागा नहीं है, मैं अभी जेठ जी को फोन करती हूँ। वो कह रहे थे ना कि मेरा अमर भाग गया। हेलो जी, रोहिणी बोल रही हूँ जी। मैंने क्या कहा था आपसे, मेरा बेटा भागने वालों में से नहीं है। अभी अभी किसी का फोन आया था, वो कह रहा था अमर दूसरी फ्लाइट से दिल्ली गया था जो कि क्रैक। व्हाट? ये झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद अकाउंटेंट ने बताया था कि अमर तो उस वाली फ्लाइट पर नहीं था। कौन था वो फोन जिसने किया? हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना, आप जब इस तरह चुप रहते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताइए किसका फोन था? रोहिणी का। रोहिणी? क्या कह रही थी वो? अच्छा, तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब तो हाथ फैलाने के साथ मुंह भी खोलना शुरू कर दिया उसने। हाँ, आप वहां नहीं जाओगे, आपको मेरी कसम है, जो आपने उन लोगों को एक भी पैसा दिया। अरे उसके बेटे की वजह से जो हमारी बदनामी हुई है, क्या वो काफी नहीं है? हर जगह थू थू हो रही है। देखो जो भी है तो मेरे सगे ना, नहीं करूंगा तो लोग थूकेंगे मुझ पर, कहेंगे कि भाई के मरते ही मैंने उनके परिवार से नजर फेर दी। उनके लिए ना सही, लोग समाज के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। पता नहीं फोन पर क्या कह रही थी, जाकर देखूं बात क्या है। भाभी ये हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से वो फोन आया है पता नहीं किसका फोन था। अच्छा वो कह क्या रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई आज दिल्ली इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने जो फ्लाइट ली थी वो क्रैश कर गई। नॉनसेंस,
यश अंकल ने कहा तो था कि भैया ने दिल्ली वाली फ्लाइट ली ही नहीं। ये हो क्या रहा है? कोई हमें कभी भी कुछ भी कहने के लिए फोन कर देगा क्या? वो था कौन? किसने किया था फोन? पता नहीं, बस इतना ही कह के फोन काट दिया। भाभी, I have a feeling कोई हमें जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी लाइफ अपसेट कर रहा है। गॉड, दिस इज सो स्केरी। तो फिर तुम्हारे भैया है कहाँ राखी? ना कोई फोन, ना कोई खबर। अगर ये बात सचमुच में सही है तो तुम्हारे भैया उसी फ्लाइट पर थे जो क्रैश कर गई। शायद यही जवाब है उनकी खामोशी का। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। भैया बिल्कुल ठीक है, वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपको, वो बिल्कुल ठीक है। काश ऐसा ही हो राखी, काश ऐसा ही हो। सारी गेस्ट लिस्ट तैयार हो गई जी। केटरर्स को एक और रिमाइंडर कॉल दे दो। मुझे लास्ट मिनट कोई टेंशन नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके या मामा, आपने बुलाया मुझे? हाँ सिर्फ बेटा, मैं ये पूछना चाहती थी तुमने कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है पार्टी के लिए? जब मैं खुद ही पार्टी पे नहीं आ रहा हूँ तो मेरे दोस्त क्या करेंगे? क्या तुम उस पार्टी में नहीं आओगे? फ्रेंकली स्पीकिंग मामा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ये कोई रेगुलर पार्टी नहीं है सिर्फ, ये पार्टी तुम्हारी माँ को अवार्ड मिलने की खुशी में दी जा रही है। तुम अपनी माँ की खुशी में शामिल नहीं होगे? एक मैं हूँ जो तुम्हारा चेहरा देख देख के जी रही हूँ, हर पल तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और एक तुम हो कि सिद्ध बाबा जरूर आएंगे, आएंगे ना अपनी मम्मी की खातिर। कितने बड़े बड़े लोग होंगे इस पार्टी में, सिद्ध के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप फिक्र ना करें मैडम, मैं किसी ना किसी तरह सिद्ध को जरूर पार्टी में ले आऊंगी। मुझे तो इस लड़के की चिंता खाई जा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे इसे तो खुश होना चाहिए कि ये उस फ्लाइट में नहीं था, भगवान ने इसे नई जिंदगी दी है, लेकिन ये तो उल्टा डिप्रेशन में जा रहा है। जीती रहो बहू, माँ कहाँ है? माँ, नमस्ते भाई साहब। किसका फोन था? मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था। क्या कह रहा था वो? बहू ने उठाया था जी, वो कह रहा था कि अमर दिल्ली जाने वाली उसी फ्लाइट पर थे जो क्रैश कर गई। कोई भी फोन पर कुछ भी कह बैठेगा और तुम लोग उसका विश्वास कर लोगे? दिन में 10 दफे दिखा रहे अमर के बारे में टीवी में वो लोग, उनको तो जैसे खुराक मिल गया हो। कोई भी जोकर आकर फोन कर देता है, अरे मस्करी कर रहे हैं वो लोग, और तुम सच मान रही हो? जी, वो कह रहा था कि कोई सिद्धार्थ बख्शी है जिससे पता चल सकता है। क्या करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, क्या करने का इरादा है? इश्तिहार दे दूं अखबार में उस सिद्धार्थ बख्शी के नाम, ताकि ये अखबार वाले और टीवी चैनल वाले और कीचड़ उछा रहे हम पर। जो खानदान की बदनामी हुई है वो क्या कम है? कान खोलकर सुन लो, इसके आगे तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे और मजाक उड़े हमारा। देख लिया ना पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का नतीजा, मुंह के बल पड़ी के नहीं? देखो दादू। क्या है? कुछ नहीं।